हाय गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे कॉटन प्रिंटेड बांधनी सूट लेकर आई हूँ। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं एंड आप मेरी मेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे आपके लिए बांधनी सूट्स, टाइडाई सूट, प्रिंटेड सूट्स लेकर आई हूँ जो कि एक ऑफिस के लिए ऑफिस वेयर बहुत अच्छा हो सकता है। एंड अगर आप डेली बेसिस पर सूट पहनते हैं अपने घर पर और एक कंफर्टेबल आउटफिट आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यूजुअली हम घर पे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, सो इस तरीके के जो सूट रहते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं गाइज। एंड आपको इन्हें कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको लिंक ही दूं तो ही आपको ये मिले, ये आपको आपके नियरबाय मार्केट में भी मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं सो मैं अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अमेज़ॉन पर देख लीजिएगा एक बार, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सेम तो नहीं होगा जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, बट क्वालिटी या फिर जो प्रिंट्स हो सकते हैं, लाइक प्रिंटेड सूट आपको उसमें मिल सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपके नियर बाय मार्केट में मिलते हैं, आपके आपके सिटी, आपके टाउन में मिल जाते हैं इस तरीके के सूट पीसेस, तो आप वहां से ले सकती हैं एंड एक बहुत अच्छा आउटफिट अपने लिए स्टिच कर आ सकती हैं, इसको डेली बेसिस पर भी पहन सकती हैं। और अगर आप कहीं पर जा रही हैं किसी के यहाँ पर, अगर आप कोई ट्रेडिशनल कोई भी फंक्शन पूजा में पहनना चाहती हैं तो आप इस तरीके के सूट आराम से पहन सकती हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।